बैटरियों के लिए हमें दरकार लिथियम और दीगर मिनरल्स की माइनिंग एनवायरनमेंट पर बढ़ते हुए नुकसान का बायस बन रही है, लेकिन हमारे चारों तरफ दीगर अल्टरनेटिव मटेरियल्स भी मौजूद हैं। बिजली नहीं है, लेकिन इंडिया की सड़क पर एक एटीएम ऐसी भी है जो चलती तो बिजली पर है, लेकिन बिजली ना होने के बावजूद भी बगैर रुकावट चल रही है। भला ऐसा कैसे? जज्बी तौर पर इसका क्रेडिट एटीएम के अंदर मौजूद एक बैकअप बैटरी को जाता है और इस बैटरी के अंदर जली हुई रुई रखी गई है जिससे कार्बन मिलता है। बैटरी बनाने वाली जापानीज कंपनी PJPI के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर अनकित्सु ओकिना कहते हैं कि ईमानदारी के साथ इसके काम करने के तरीके को बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये एक रास की बात है। अनकित्सु ओकिना अलबत्ता ये जरूर कहते हैं कि इस प्रोसेस में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा की टेम्परेचर की जरूरत होती है और ये कि 1 किलो कॉटन 200 ग्राम कार्बन पैदा करता है और हर बैटरी सेल में 2 ग्राम कार्बन की जरूरत होती है। ओकिना ने बताया कि कंपनी ने 2017 में रुई की एक खेप खरीदी थी जिसका मुकम्मल इस्तेमाल अभी तक नहीं हो सका है। इस कंपनी ने जापान की क्योशू यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है और वो सी वाटर और सीवेज प्लेस के साथ भी बैटरी बनाने की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगरचे ये ऐसी वाहिद बैटरी नहीं जो इस्तेमाल शुदा मवाद से कार्बन का इस्तेमाल करती है, फिनलैंड के स्टोरा एनसो ने एक ऐसा बैटरी एनोड बनाया है जो दरख्तों में पाए जाने वाले पॉलीमर लिग्निन से कार्बन इस्तेमाल करता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कॉटन से ज्यादा बेहतर और स्टेबल बैटरीज बनाई जा सकती हैं, लेकिन वहीं दीगर रिसर्चर्स का मानना है कि नेचुरल रिसोर्सेज में ऐसे ज़राए भी मौजूद हैं जो ज्यादा बड़े और इनएग्जॉस्टेबल हैं।